हेलो दोस्तों, आज हम आपको बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर सीपी दीक्षित सर के डायरेक्टर करियर के बारे में बताएंगे। सीपी दीक्षित ने 1955 में आई मूवी संतोषम से अपने डायरेक्टर करियर की शुरुआत की थी। इस मूवी के लीड कास्ट में एनटीआर रामा राव, अंजलि देवी, गोपी, हेलेन और जमुना शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1956 में सीपी दीक्षित की मूवी आई नया आदमी। इस मूवी के लीड कास्ट में टी रामा राव, अंजलि देवी, अनवर हसन, राम शर्मा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1958 में सीपी दीक्षित की मूवी आई कभी अंधेरा कभी उजाला। इस मूवी के लीड कास्ट में किशोर कुमार, नूतन, कुमकुम, ललिता पवार और अमदनपुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1971 में सीपी दीक्षित की मूवी आई पारस। इस मूवी के लीड कास्ट में संजीव कुमार, राखी गुलजार, फरीदा जलाल, शत्रुघ्न सिन्हा और मदनपुरी शामिल थे। इस मूवी का बजट 55 लाख रहा। भारत में कमाई 80 लाख हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,55,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी एवरेज रही। इसी साल सीपी दीक्षित की मूवी आई नन्ही कलियां। इस मूवी की लीड कास्ट में चंद्रमा, लता सिन्हा और संदीप चोपड़ा शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1972 में सीपी दीक्षित की मूवी आई हार जीत। इस मूवी के लीड कास्ट में रहाना सुल्तान, अनिल धवन, सारिका, राधा और मदनपुरी शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी एवरेज रही। 1974 में सीपी दीक्षित की मूवी आई पगली। इस मूवी के लीड कास्ट में राकेश रोशन, रंजीत, राखी गुलजार और बिंदु शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1976 में सीपी दीक्षित की मूवी आई फकीर। इस मूवी के लीड कास्ट में शशि कपूर, शबाना आजमी, डैनी और असरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई 2,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 5 करोड़ कमाए। इसके साथ यह मूवी हिट रही। 1982 में सीपी दीक्षित की मूवी आई गजब। इस मूवी के लीड कास्ट में धर्मेंद्र, जगदीप, रेखा, अरुणा ईरानी, शरद सक्सेना और रंजीत शामिल थे। इस मूवी का बजट 1,85,00,000 रहा। भारत में कमाई 3,50,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 6,25,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी सेमी हिट रही। 1986 में सीपी दीक्षित की मूवी आई मजलूम। इस मूवी की लीड कास्ट में अनीता राज, मंदाकिनी, सुरेश ओबेरॉय, अर्जुन और शक्ति कपूर शामिल थे और कलेक्शन के हिसाब से यह मूवी फ्लॉप रही। 1989 में सीपी दीक्षित की मूवी आई दोस्त गरीबों का। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, नीलम कोठारी, राजा मुराद और अंजना मुमताज शामिल थे। इस मूवी का बजट 1 करोड़ रहा। भारत में कमाई 90,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,65,00,000 कमाई। इसके साथ यह मूवी फ्लॉप रही। 1994 में सीपी दीक्षित की मूवी आई बेटा हो तो ऐसा। इस मूवी के लीड कास्ट में गोविंदा, बरसा, अंजना मुमताज, गुलशन ग्रोवर और असरानी शामिल थे। इस मूवी का बजट 95,00,000 रहा। भारत में कमाई 81,00,000 हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1,38,00,000 कमाए। इसके साथ यह मूवी डिजास्टर रही और यही सीपी दीक्षित की रिलीज होने वाली आखिरी मूवी साबित हुई है। दोस्तों, आपको सीपी दीक्षित सर का डायरेक्टर कैरियर कैसा लगा और आने वाली वीडियो किस डायरेक्टर पर चाहिए कमेंट में बताएं। साथ में हमारे चैनल ऑल मूवी कलेक्शन को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्लीज़ दोस्तों, थैंक यू।